हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी आल्सो फाइन। चलिए आज आप लोग पढ़ाते हैं जीके में चैप्टर 23। चैप्टर है 23 में आप लोग पढ़ेंगे डांस, इंडियन डांस। क्या है इंडियन डांस? चैप्टर 23 में इंडियन डांस। ये इंडियन डांस पढ़ लिया, भारतीय नृत्य। डांस का हिंदी होता है नृत्य, डांस का हिंदी क्या होता है? नृत्य। डांस मीन्स नृत्य, तो इंडियन डांस मीन्स भारतीय नृत्य। भारतीय नृत्य डांस कई प्रकार के होते हैं। एक क्लासिकल डांस होता है, एक फोक डांस होता है। फोक डांस होता है कि जैसे आपको इच्छा हो वैसे डांस कर लीजिए, ठीक है। फोक डांस होता है स्थानीय डांस। फोक डांस सभी स्टेट्स का अलग अलग फोक डांस होता है, स्थानीय डांस होता है। जैसे आपको ये असम का बिहू डांस, ठीक है, गरबा डांस, राजस्थान का, और क्या है डांडिया डांस होता है गुजरात का। तो ये सब डांस अलग अलग, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस हो गया, कथक जो है ये क्लासिकल डांस हो गया, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध होते हैं। और कथकली डांस हो गया, ओडिसी डांस हो गया, ये सब क्लासिकल डांस होते हैं, ठीक है। तो भारतीय डांस जो है कुछ फेमस डांस, फेमस इंडियन डांस, कुछ मशहूर भारतीय डांस हैं जो पूरे भारत में वे नृत्य किए जाते हैं, प्रचलित हैं पूरे भारत में। तो उसमें जो है आपको देखिए, ये किताब है, ये किताब में आप लोग देखें ये सब सारा क्लासिकल डांस है। क्या है ये सारा क्लासिकल डांस है, फोक डांस नहीं है। फोक डांस मीन्स स्थानीय नृत्य, ये स्थानीय नृत्य नहीं है, ये सब फोक डांस है। फोक डांस नहीं है, सॉरी, फोक डांस नहीं है, ये सब क्लासिकल डांस है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, फेमस है। तो इसमें कथक, ये कथक है, पहला है कथक। कथक कथक ये क्लासिकल डांस, कथक जो है बहुत फेमस डांस होता है ये। और इसमें ये कथक डांस है ये वाला, ये। और उसके बाद में आपको मणिपुरी आता है, मणिपुरी कथक डांस जो है ये उत्तर प्रदेश का मशहूर है, लेकिन पूरे भारत में ये डांस किए जाते हैं कथक डांस। मणिपुरी डांस जो है ये मणिपुर में, मणिपुर में ये मणिपुरी डांस फेमस है, लेकिन मणिपुरी डांस भी पूरे भारत में ये फेमस है। उसके बाद कथकली, उसके बाद है तीसरा है कथकली। ये कथकली है, ठीक है। और उसके बाद है भरतनाट्यम। कथकली इज ऑल्सो ए क्लासिकल डांस, ये भी फेमस क्लासिकल डांस है कथकली। चौथा है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भरतनाट्यम और ओडिसी। फाइव है
ओडिशा का ये फेमस क्लासिकल डांस है ओडिशी। तो ये आपके पुस्तक में 5 फेमस क्लासिकल डांस है और ये जो है इसका नंबर 1 में आता है मणिपुरी। मणिपुरी फोर में भरिएगा तो कथक, फोर में आप लोग भरेंगे कथक, और फाइव में भरिएगा आप लोग ओडिसी। ओके तो ये है आपके फेमस इंडियन डांस। क्या है फेमस इंडियन डांस? ये सारे क्या है? ये फेमस इंडियन डांस है। ये सारे हैं फेमस इंडियन डांस। ठीक है, ये आपको किताब है, ये बुक्स चैप्टर 23 में ये इंडियन डांस है। डांस हमें नहीं छोड़ा है, इंडियन डांस हमें भारतीय नृत्य। तो पहला में हम भरिएगा कथकली। पहला जो पिक्चर है, ये पहला जो पिक्चर है ये कथकली हो गया, और ये दूसरा पिक्चर है इसको भरतनाट्यम। ये भरतनाट्यम है, ये दूसरा पिक्चर जो है ये भरतनाट्यम है, और तीसरा जो पिक्चर है ये मणिपुरी है। ये मणिपुरी, मणिपुर में ये डांस होते हैं, फेमस डांस है ये, मणिपुर का है ये किताब में। मणिपुर डांस है, ये मणिपुरी डांस है। और चौथा जो है ये है कथक, इसको कथक डांस कहते हैं। चौथा में कथक डांस पढ़िएगा, चौथा में ये है कथक, ये कथक डांस है। और पांचवा में ओडिसी है, ये ओडिसी, ये उड़ीसा, उड़ीसा में ये फेमस डांस है ओडिसा में, जिसको ओडिसी डांस कहते हैं। ओके, अब आप ये चैप्टर 3 पढ़ेंगे, आप चैप्टर 24 इसमें आता है फूड ऑफ इंडिया। क्या आता है? फूड ऑफ इंडिया यानी भारत का भोजन, भारत का खान पान, भारत का भोजन। फूड ऑफ इंडिया मीन्स भारत का भोजन। तो इसमें है सबसे पहले है क्या चीज, अब ये बताइए, दाल रोटी चूरमा। पहला है दाल बाटी चूरमा, ये दाल रोटी चूरमा है। दूसरा है पाव भाजी, पाव भाजी। ये इसको बताएंगे कि कौन भोजन कहाँ मिलता है, पाव भाजी। और 3 है सरसों का साग, सरसों का
साग मक्की की रोटी, मक्की की रोटी आप लोग आज ही जानते ही हैं कौन सा है, फिर भी मैं बताऊंगा आपको। फोर में है रसगुल्ला, रसगुल्ला, और फाइव में है ढोकला। ढोकला है और सिक्स में मालपुआ, मालपुआ, और सेवन में मोहम्मद, सेवन में उत्तम, उत्तम, और एट में मोमोज, ये है। अब देखिए दाल बाटी चूरमा, ये कहाँ का भोजन है, फेमस भोजन कहाँ का है, ये है आपको राजस्थान का, क्या है दाल बाटी चूरमा, ये फेमस भोजन है कहाँ का, राजस्थान, राजस्थान यहाँ का भोजन है फेमस, दाल बाटी चूरमा इज फेमस फूड फॉर फूड इन राजस्थान। ओके, पाव भाजी, पाव भाजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पाव भाजी, इधर भी पाव भाजी बना करके ये वेंडर से बेचते हैं, तो पाव भाजी का मशहूर पाव भाजी मशहूर भोजन कहाँ का है, यह है महाराष्ट्र का, क्या है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का भोजन है, महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है, जो पिछले क्लास में मैंने बताया था, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यानी पाव भाजी महाराष्ट्र का ये फेमस भोजन है ये मुंबई का। उसके बाद सरसों का साग और मक्की की रोटी, सरसों का साग मक्की की रोटी, ये भोजन कहाँ का मशहूर है, ये भोजन मशहूर है पंजाब का, पंजाबी लोग जो है सरसों का साग मक्की की रोटी बहुत प्रेम से खाते हैं, हम लोग भी मक्की की रोटी खाते हैं सरसों का साग खाते हैं, लेकिन पंजाबी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं और बड़े प्रेम से खाते हैं, सरसों का साग मक्की की रोटी बड़ी स्वादिष्ट, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है, तो ये भोजन है कहाँ का, पंजाब का, ये पंजाब, पंजाबी लोग मक्की की रोटी और सरसों का साग खूब चाव से खाते हैं, खूब प्रेम से खाते हैं। चौथा है रसगुल्ला, रसगुल्ला का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है, रसगुल्ला ऐसी चीजें हैं बच्चों, ऐसा चीज है रसगुल्ला जो सभी के मुंह में पानी आ जाता है देखकर, तो रसगुल्ला जो है कहाँ का भोजन है, यह है पश्चिम बंगाल, कहाँ का है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल मीन्स पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता, आप कोलकाता में जाओगे तो वहाँ रसगुल्ला बहुत ही फेमस है, बहुत ही स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाते हैं वे लोग, बहुत ही अच्छे बनाते हैं, इसलिए वेस्ट बंगाल का फेमस भोजन है रसगुल्ला। ओके, वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल का कैपिटल, का कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल ये कोलकाता, पिछले क्लास में मैंने बताया था, तो ये पश्चिम बंगाल का भोजन है रसगुल्ला। ओके, फाइव है ढोकला, ओके, ढोकला कहाँ का भोजन है, ढोकला, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि ढोकला जो है ये कहाँ का भोजन है, तो मैं बता देता हूँ, यह है कहाँ का, तो यह है गुजरात का। ओके,
ये ढोकला जो भोजन है ये गुजरात का फेमस भोजन है। गुजरात गुजरात ये गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है, जो पिछले क्लास में मैंने स्टेट का कैपिटल में बताया था। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। तो ये गुजरात में गुजराती लोगों का भोजन क्या है, फेमस भोजन। ऐसे सभी भोजन करते हैं, लेकिन गुजराती लोग बड़े प्रेम से बड़े चाव से इस ढोकला को पसंद करते हैं। गुजराती लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ढोकला खाते हैं, क्योंकि वे भी गुजराती हैं। तो वे भी प्रधानमंत्री ढोकला अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं और ढोकला को बड़े प्रेम से खाते हैं। ओके, अब देखिए नंबर 6 है, जो भोजन है उसको सुनते ही मुंह में फिर पानी आ जाता है, क्या चीज है? तो मालपुआ जो हम लोग क्या करते हैं, होली में बनाते हैं। होली में यह डिश जो है बहुत फेमस है। होली में बड़े चाव से खाते हैं मालपुआ। मालपुआ जो है बड़े बहुत ही स्वादिष्ट ये भोजन है, डिश है। तो मालपुआ कहाँ का प्रसिद्ध है? मालपुआ इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन ये मालपुआ जो है ये हमारे राज्य का ये फेमस ये भोजन है। कौन सा राज्य? हम किस राज्य में रहते हैं? हम लोग बिलीव इन बिहार, हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार स्टेट में। तो ये है मालपुआ जो है ये बिहार का भोजन है। और बिहार की राजधानी कहाँ है? पिछले क्लास में मैंने बताया था, तो बिहार की राजधानी पटना है। तो हम सभी बिहारियों को मालपुआ बहुत पसंद आता है। मालपुआ बड़े चाव से खाते हैं, बड़े प्रेम से खाते हैं, बड़े स्वादिष्ट भोजन होता है यह, बड़ा स्वादिष्ट भोजन होता है। और यह भोजन जो है बिहार का बहुत ही फेमस भोजन है। ओके, अगला नंबर है उत्तपम। ये उत्तपम जो है ये तमिलनाडु का फेमस भोजन है। उत्तपम तमिलनाडु, तमिलनाडु ये 7 जो उत्तपम भोजन जो है ये तमिलनाडु का मशहूर भोजन है। ये उत्तपम इसको पढ़ते हैं उत्तपम, क्या पढ़ेंगे? उत्तपम। उत्तपम जो तमिलनाडु स्टेट राज्य का यह फेमस भोजन है। ओके, अब आप अंत में आइए 8 में मोमोज, इसको कहते हैं मोमोज, क्या कहते हैं? मोमोज। ये मोमोज जो है ये कहाँ का भोजन है? मोमोज जो है ये है मिजोरम का। कहाँ का भोजन है? मिजोरम। ये मोमोज इज द फेमस फूड ऑफ मिजोरम स्टेट, यानी मिजोरम स्टेट का, मिजोरम में रहने वाले लोगों का यह फेमस भोजन है मोमोज, वहाँ का प्रसिद्ध भोजन है मोमोज। जैसे कोलकाता में रसगुल्ला, वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला, पंजाब में सरसों का साग मक्की की रोटी, महाराष्ट्र में पाव भाजी, राजस्थान में दाल रोटी चूरमा, गुजरात में ढोकला, बिहार में मालपुआ, तमिलनाडु में उत्तपम, उसी तरह से मिजोरम जो स्टेट है मिजोरम का यह फेमस भोजन है मोमोज। अब आप समझ गए? तो ये फेमस भोजन और ये फेमस इंडियन डांस, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है? इसको आप लोग याद करके रखेंगे, अगले क्लास में मैं इसमें कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को होमवर्क करने के लिए, ठीक है? ये आप लोग याद करके रखेंगे। तब तक आज का बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी।